बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम स्टैटिक्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर से है। फाइंड दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कुलर आर्क सबटेंडिंग एन एंगल टू अल्फा एट द सेंटर। तो हमें एक सर्कुलर आर्क लेना है जो कि सेंटर पर, यानी सर्किल के सेंटर पर वो टू अल्फा एंगल बनाती है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होगा। तो इसके लिए हम एक आर रेडियस के एक सर्कुलर आर्क यहाँ पर ले लेते हैं, और अपनी कैलकुलेशन की आसानी के लिए हम, यानी हमें कम कैलकुलेशन करना हो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मालूम पड़ जाए, तो चूँकि पहले से कुछ नहीं दे रखा है, तो हम इसको जो आर्क है इसको इस तरीके से रखेंगे, यानी एक्स एक्सिस पर, कि दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। यानी जितना ये आर्क इस एक्सिस के ऊपर हो उतना ही नीचे हो, ताकि ये सर्किल, ये सर्किल का एक पार्ट है, ये पूरा सर्किल यहाँ से बना सकते हैं, और उस सर्किल का सेंटर हम ओरिजिन यहाँ पर ले लेते हैं। सर्किल हम पूरा नहीं बना रहे हैं, और इस सर्किल की जो रेडियस है वो हम आर के बराबर, जैसे पहले ही बोल चुके हैं, माना कि ये आर्क ए बी है, जो कि अपने सर्किल का जो सेंटर, जिसे ओरिजिन हमने ले लिया है अपनी आसानी के लिए, ताकि कैलकुलेशन कम हो, और इसको भी इस तरीके से रखा है ताकि हमें वाई बार, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमें जो कोऑर्डिनेट होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, जो कि हमने चूँकि सिमेट्रिकल रखा है एक्स एक्सिस के अबाउट, ये आर्क सिमेट्रिकल है, तो एक्स एक्सिस पर ही ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, और इसमें जो कोऑर्डिनेट एक्स बार वाई बार हैं, तो सिमेट्री से हम वाई बार की वैल्यू देख सकते हैं कि ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। फिलहाल इस आर्क के बारे में जो बताया गया है कि ये एंगल टू अल्फा बना रही है, तो हमने चूँकि इस तरीके से रखा है कि आधा उधर है आधा इधर है, तो यहाँ पर ये अल्फ़ा एंगल हो जाएगा, इसका भी ये एंगल अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि जो ये इनिशियल लाइन जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर की तरफ एंगल पॉजिटिव लिया जाता है, तो ये जो लाइन होगी थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा होगा, और नीचे की तरफ एंगल माइनस में नापा जाता है, तो थीटा इज इक्वल टू ये माइनस अल्फ़ा होगा। यानी हमारा ये जो आर्क है, जिसका एक वायर की तरह आप मान लें, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है, तो ये शुरुआत होती है थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा से, और ख़त्म हो रही थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा के बीच में। और इस सर्कुलर आर्क की जो रेडियस है, यानी इसे जिस सर्कल का हिस्सा है, उस सर्कल की रेडियस को हम अगर आर मान लें, यानी ओ से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है इसको हमने आर अगर कह दिया है, तो फिर यहाँ पर एक हम एलिमेंट्री आर्क लेते हैं, माना कि वो एलिमेंट्री आर्क पी क्यू है, इस इतने पार्ट को लेते हैं, और इसको अगर ओ से ज्वाइन करें पी को, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो पोलर कोऑर्डिनेट आर का थीटा होंगे, हालांकि यानी आर ये डिस्टेंस और थीटा इस एक्सिस से, यानी इनिशियल लाइन से एंगल है थीटा, और पी को अगर मिलाएंगे तो ये एंगल यहाँ पर जो बड़ा हुआ एंगल है, यानी ओ पी से जो ऊपर का एंगल है ओ क्यू तक, वो डेल्टा थीटा ले लिया हमने यहाँ पर। तो इस लेंथ को पी क्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू फार्मूला होता है आर्क अपान रेडियस। रेडियस यहाँ पर आर्क अगर हम निकालना चाहें पी क्यू, तो आर्क पी क्यू की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एंगल यहाँ पर देख रहे हैं कि थीटा है यहाँ पर, सॉरी डेल्टा थीटा है इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, तो एंगल डेल्टा थीटा हो जाएगा। आर्क हमने पी क्यू ली है और रेडियस को आर बोला है, तो पी क्यू जो आर्क है, आर्क यानी पी क्यू जो है उसकी लेंथ हो गई आर डेल्टा थीटा। हम लोग जानते हैं कि ये आर्क एलिमेंट्री आर्क जो पी क्यू है इसको डेल्टा एस से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा एस की वैल्यू आर इंटू डेल्टा थीटा हो गई है। अब ये इसकी हमें डेल्टा एस की ज़रूरत भी पड़ती है, इसको अगर हम डी नोटेशन में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे डी एस इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, और यहाँ पर वाई वार की वैल्यू तो ज़ीरो होगी, जैसे कि हम यहाँ बता चुके हैं ये एक्स एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो एक्स एक्सिस पर भी होगा, इसलिए एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। देयरफॉर हम इस तरीके से कह सकते हैं
वाई सिमेट्री, सिमेट्री वाई बार की विबल होगी, विज़ीर होगी। और इससे पहले हमने मान लिया था लेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी बी एक्स बार वाई बार, और वाई बार की वैल्यू ज़ीरो, तो हमें सिर्फ एक्स बार की वैल्यू ही हम निकालना होगी, फाइंड करना होगी। तो एक्स बार की जो वैल्यू फाइंड करते हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करते एक्स डी एस अपान डी एस, अगर एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स एक्चुअल में जो एलिमेंट्री आर्क हमारे यहाँ पर है जिसकी लेंथ डी एस है ये, तो उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस यानी किसी भी पॉइंट के जैसे कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, तो एक्स क्या होता है वाई एक्सिस डिस्टेंस होती है और वाई क्या होता है ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इस पी की क्या होगी, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं पी से, माना कि एम पर गिरता है ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा जो कि हम यहाँ पर दोबारा से ड्रा कर देते हैं बड़ा करके थोड़ा सा। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट एम जो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था पी से, ये रेडियस इसकी आर के बराबर है और ये एंगल यहाँ पर थीटा है। तो इस वाले ट्रायंगल का यूज़ करते हुए ये डिस्टेंस यानी ओ एम की वैल्यू फाइंड करना, जिसको हम यहाँ पर हमारे फार्मूले में वो डिस्टेंस एक्चुअल में एक्स है, तो इस फार्मूले का यूज़ करें, यहाँ पर कॉस लगा देंगे, कॉस थीटा होता है बेस अपान यानी ओ एम अपान हाइपोटेन्यूस ओ पी, तो ओ एम की वैल्यू एक्स है, ओ पी की वैल्यू आर है, तो इस तरीके से हम एक्स की वैल्यू यानी आर कॉस थीटा लिख देंगे। तो आर कॉस थीटा आर एक्स की वैल्यू हो गई आर कॉस थीटा, और ऊपर डी एस की वैल्यू फाइंड कर चुके थे जो कि आर डी थीटा है, तो अपान में भी डी एस की यहाँ पर आर डी थीटा रख देंगे। थीटा की वैल्यू थीटा वेरिएबल है और थीटा की वैल्यू हम पहले बता चुके हैं माइनस अल्फ़ा से लेके प्लस अल्फ़ा तक ये जो आर्क चेंज हो रही है क्योंकि इसी के लिए फार्मूला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, और उसमें थीटा की वैल्यू माइनस अल्फ़ा से प्लस अल्फ़ा है। रेडियस चूँकि सर्किल की कांस्टेंट है तो यहाँ पर ऊपर से आर इंटू आर आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेंगे, सिर्फ यहाँ पर कॉस थीटा डी थीटा बचेगा और इसको माइनस अल्फ़ा से लेके प्लस अल्फ़ा के बीच में इंटीग्रेट करना है। यहाँ से भी आर को बाहर ले लें और माइनस अल्फ़ा से लेके प्लस अल्फ़ा के बीच में यहाँ आर बाहर ले गया, वन बचेगा, सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा। आर की एक पावर यहाँ से कैंसिल हो गई, सिर्फ आर की एक पावर ऊपर बची हुई है जिसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा होता है, जो हमने यहाँ पर लिख लिया है। लिमिट इसकी थीटा की माइनस अल्फ़ा से लेके प्लस अल्फ़ा है, ऐसे यहाँ पर भी वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, थीटा हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, और इसकी लिमिट माइनस अल्फ़ा से लेके प्लस अल्फ़ा हमें लिखना होगी। तो पहले लिखी जाती है अपर लिमिट यानी उस पूरे इसमें जहाँ पर भी थीटा नज़र आएगा, और थीटा की जगह पर हम पहले तो अल्फ़ा रखेंगे, फिर माइनस का अल्फ़ा रखेंगे थीटा की जगह पर, साइन अल्फ़ा की थीटा की जगह पर माइनस अल्फ़ा रखेंगे। डिनोमिनेटर में भी थीटा की जगह पर पहले अल्फ़ा रखेंगे माइनस, फिर रखेंगे अल्फ़ा की यहाँ पर माइनस अल्फा, थीटा की यहाँ पर माइनस अल्फ़ा। और हम लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो माइनस यहाँ पर आके इसको प्लस बना देगा, ऐसे ये माइनस यहाँ पर प्लस बना देगा। तो अगले स्टेप में हमारी जो एक्स बार की वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं, अगले पेज पर लिख रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी आर, हमारा शुरुआत में पहले से चल रहा था साइन थीटा, हमने साइन यहाँ पर अल्फ़ा और प्लस साइन अल्फ़ा हो जाएगा जैसे कि पहले बताया, अपान में भी अल्फ़ा चल रहा था और प्लस का अल्फ़ा हो जाएगा। इस तरीके से एक्स बार की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है करीब करीब, क्योंकि ये टू टाइम्स हमारा ये साइन अल्फ़ा हो चुका है, तो इसे लिखेंगे इंटू में टू टाइम्स साइन अल्फ़ा, अपान में ये भी टू अल्फ़ा हो गया है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बार की वैल्यू जो फाइंड करना थी आर साइन अल्फ़ा अपान अल्फ़ा आ गया। तो इस तरीके से रेडियस यहाँ पर आर है और जो एंगल सब्सटेंड कर रहा था टू अल्फ़ा था, तो अल्फ़ा यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एक्स एक्सिस पे लाई करेगी अगर हमने सिमेट्रिकल रखा है इसको, और उसके जो डिस्टेंस है जो एक्स बार के बराबर है ओ से लेके जी तक, जैसे कि अपने फिगर में यहाँ पर बताया था ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंट्रोइड है, तो ओ जी जो होगा वो डिस्टेंस एक्स बार के बराबर, इसकी वैल्यू आ गई है आर
साइन अल्फ़ा अपान अल्फ़ा, हमें आर जो है वो दे नहीं रखा था अपनी तरफ से, हमने इस सर्कुलर आर्क की जो रेडियस है वो लिखी थी। तो रेडियस अगर कुछ भी दे रखी होगी तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ए दे रखी हो तो ये यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।